अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तानी फ्लैग को लेके बड़ी कशीदगी हुई लास्ट वीक, यानी पिछले हफ्ते बांग्लादेश के अंदर। तो उस चीज़ को लेके जब पाकिस्तानी सेकेंड T20 मैच हो रहा था, तो उस पे पाकिस्तानी परचम को जगह जगह पर लहराया गया और उसको दिखाया गया। जैसे कि बांग्लादेश के एक मिनिस्टर ने कहा था कि पाकिस्तानी फ्लैग को हम देख के हमारे दिल जलते हैं, तो उस चीज़ को उनकी आवाम ने जवाब दिया है। आइए इस वीडियो को देखते हुए, देखिए आप लोगों को पसंद आई है, और पसंद आती है तो लाइक करें। पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग तो कर दिया गया, लेकिन बांग्लादेशी आवाम के दिलों में पाकिस्तान के लिए जो मोहब्बत है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। बांग्लादेशी लोगों को भी पता है कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो वो आज भी हिंदुओं की गुलामी में होते। इनको पता है कि अगर कायदे आज़म इनको आज़ादी ना दिलवाते तो आज हिंदू जो असम कश्मीर में कर रहे हैं, वो ढाका में भी करते। इसलिए आज भी बांग्लादेशी आवाम के दिल पाकिस्तान के साथ हैं। बांग्लादेशी स्टेट मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे दिल दुखते हैं कि हम पाकिस्तान का परचम जब देखते हैं, हम पाकिस्तान को प्रैक्टिस सेशन के दौरान परचम नहीं लगाने देंगे। लेकिन इस वजीर को पाकिस्तान ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बांग्लादेशी आवाम ने ही इस वजीर को जवाब दे दिया है। इस वजीर को पाकिस्तान के एक परचम से मसला था, लेकिन अब ये वीडियो देखें। बांग्लादेश की सड़कों पर पाकिस्तान के परचम ही परचम हो गए हैं। इसको अब ये कैसे रोकेंगे? क्या अब भी इनका दिल दुखेगा इसको देखकर? दरअसल ये वीडियो तब की है जब पाकिस्तानी खिलाड़ी दूसरा T20 मैच जीतकर वापस जा रहे थे स्टेडियम से। तब कुछ बांग्लादेशी फैंस ने पाकिस्तान के परचम सड़क पर उठा लिए और पाकिस्तानी टीम को एक पैगाम दिया कि हम जीतें या आप, हमें दोनों में खुशी है, क्योंकि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इससे कबल बांग्लादेश में पाकिस्तानी परचम को लेकर बहुत शोर मचा था कि पाकिस्तान प्रैक्टिस सेशन के दौरान मैदान में क्यों परचम लगाता है। वजीरों की जानिब से कहा गया कि इस वक्त बांग्लादेश में फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की 100 साल बर्थ सेलिब्रेशन मनाई जा रही हैं और इस दौरान पाकिस्तान ऐसी हरकत कर रहा है। लेकिन अब बांग्लादेशी अवाम ने साबित कर दिया है कि उनको भी पाकिस्तानी परचम से प्यार है। तो भी आपको पता चल गया होगा कितनी मोहब्बत है पाकिस्तानी परचम से, इन पाकिस्तानी कंट्री से, बांग्लादेश के लोगों की। जब प्रैक्टिस सेशन में जब ये सब कुछ हुआ तो मुझे लगा कि यार शायद बहुत बड़ा मसला हो गया, बट आहिस्ता आहिस्ता से जब अच्छी चीज़ें सॉल्व होना स्टार्ट हुई तो काफ़ी अच्छा। बट एक चीज़ में इसमें स्ट्रीट मिनिस्टर की बात करूँ तो उसने जब ये बोला कि हमारे दिल दुखते हैं कि हम पाकिस्तान का फ्लैग देखते हैं बांग्लादेश के अंदर, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मेरे को हुई और थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि यार ऐसा अच्छा मतलब अच्छा नहीं है ना कि आप ऐसी चीज़ करो। खैर हम इस चीज़ को नहीं करते, हम बात कर रहे हैं कि भाई कि पाकिस्तानी परचम को जब बांग्लादेश के अंदर रिप्रेजेंट किया, बहुत लोगों ने किया, बहुत लोग लेके आए स्टेडियम के अंदर आए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। खैर पाकिस्तानी लोगों के लिए भी बंगालियों के लिए बहुत प्यार है और बंगाली लोगों के दिलों में भी पाकिस्तान के लिए बहुत प्यार है। जैसे कि इस वीडियो में बताया गया कि ये पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहती है, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करती है उसी चीज़ के लेके, क्योंकि उनको पता है कि अगर पाकिस्तान की बाई नहीं, यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अगर पाकिस्तान को आज़ाद नहीं कर रहे होते तो हम भी कहीं से आज़ाद नहीं होते और आज हम भी हिंदुओं के जो है ना गुलाम होते और आज हम भी गुलामी करते। जैसे कि असम और कश्मीर के अंदर ये सब मसले मसाइल मुसलमानों के साथ हो रहे, वो आज ढाका में भी होते।